नमस्कार अनस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आज बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज से बारे में कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ये इससे पहले जो आपको वीडियोज चल रहे थे उन पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैंने। उस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेस्ड 9 वीडियोस बनाए जिसमें टोटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड को इंक्लूड करा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उनके आइसोमर्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नेमिंग वगैरह मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू एक्सप्लेन द आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आइसोमेरिज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द सेंटर मेटल एटम आयन आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना व्हिच गिव्स द राइज टू आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्शन से हमने पढ़ते आए हैं कि आइसोमेरिज का मतलब होता है द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनते हैं हम उनको किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज। इस फिनोमेना को किस नाम से जानते हैं, आइसोमेरिज। द आइसोमर्स हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं इसलिए उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए हम हमारे जो आइसोमेरिज है मेनली दो टाइप से डिवाइड करी गई है, दे आर मेनली टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज। हमारे पास आइसोमेरिज जो है कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, नंबर टू स्टीरियो आइसोमेरिज। पहला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज, दूसरा क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का मतलब इसी डेफिनेशन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की बात करूँ तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज मीन द कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंस किस में आएगा, स्ट्रक्चर्स में आएगा। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जो वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा। तो उसको कौन से आइसोमेरिज कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज कहेंगे। सेकंड में स्टीरियो आइसोमेरिज, स्टीरियो आइसोमेरिज का मतलब होगा कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऊपर तक कॉमन है देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियो। स्टीरियो मतलब उनका अरेंजमेंट, स्टीरियो हमारे जो केमिस्ट्री में जो वर्ड आता है वो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप शुड बी डिफरेंट। एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज। तो यानी कि कह सकते हो कि आइसोमेरिज का मतलब क्या होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आइसोमर्स बनेंगे। उस प्रोसेस को हम कौन से प्रोसेस कहेंगे, आइसोमेरिज कहेंगे। तो इस आधार पर हमारे पास आइसोमेरिज कितने टाइप की है, दो टाइप की। अब ये आइसोमेरिज दोबारा फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो हम आइसोमेरिज के मैं डिवीजन बताती हूँ किस तरह से डिवाइड होते हैं। आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटम और अरेंजमेंट, जो आपको मैंने भी बोला। आइसोमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कराया बोला हमने, एक हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा क्या हो गया, स्टीरियो। इस तरह कंपाउंड हैविंग डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन द एटम, स्ट्रक्चर का मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, डिफरेंट कनेक्शन होगा। स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब क्या बताया आपको, मतलब कंपाउंड हैविंग ए सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट। स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रल का मतलब होता है एक तरह से जैसे आपका ये कोई कार्बन है और हम जैसे हमने कहा कि ये कार्बन है, दिस इज द कार्बन, ये कार्बन है और कार्बन ये ऐसे हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये अरेंजमेंट क्या हुआ, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट। ये कार्बन है, इस तरह से हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल मतलब जुड़ा है जो हवा में, एयर में फ्रीली, सिंपल वर्ड में कहो फ्रीली से जुड़ा रहेगा तो उस अरेंजमेंट को किस अरेंजमेंट के नाम से जानेंगे, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज की कैटेगरी में डाल देंगे। दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज फर्दर डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4, 5, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेगा, 5 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करेगा। कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, किसमें, जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, कनेक्शन, कनेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे, देखिए फर्स्ट इसके बेसिस पे जो डिवाइड किया गया, फर्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज। लिंकेज कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डेफिनेशन आपके खुद बन सकता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट लिंक ऑफ लिगेंड, यानी कि कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड शुड बी डिफरेंट। जो लिगेंड होगा डिफरेंट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा होगा, कनेक्टिविटी क्या होगी उनकी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट मतलब हमें पता है लिगेंड क्या होता है, सेंटर मेटल के सराउंडिंग में जो आइटम ग्रुप होता है उसको किस नाम से जानते हैं, लिगेंड। लिगेंड की कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो हम उसे कौन से आइसोमेरिज कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक एक चीज को अलग अलग सिंपल सिंपल पॉइंट में एक्सप्लेन किया जाएगा, ये तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड इज द आयनाइजेशन आइसोमर्स कंपाउंड, आयनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, द कंपाउंड विच हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आयन, आयन आर डिफरेंट, आयंस आपके डिफरेंस होंगे, उनके आयन, आयंस क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो एटमोसफेयर होता है उस एटमोसफेयर को किस नाम से जानते हो, आयनिक एटमोसफेयर। अगर याद होगा कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर का जो फिनोमेना होता है उसमें कौन सा एटमोसफेयर रहता है, आयनिक एटमोसफेयर।
तो उनके आयन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, आयनिक आइसोमर्स। थर्ड इज द कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट मोलर मास। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन मोलर मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। पॉलीमराइज, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर मतलब पॉलीमर्स, मर्स का मतलब स्ट्रक्चर्स होता है केमिस्ट्री में, पॉली का मतलब बहुत। मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनमें मोल्स जैसे जैसे चेंज हो जाएगी, जैसे एक मोल वाटर का, एक मोल के लिए वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 18 होता है, लेकिन अगर 10 मोल हो जाएगा तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो मॉलिकुलर मास तो वैसे डिफरेंट होना है। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज होगी वो किस कैटेगरी में आएगी, पॉलीमराइजेशन के अंदर आ जाएगी। नंबर फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट लिगेंड सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विथ कैटायन एन आयन, कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका डिफरेंट होगा, कॉम्प्लेक्स से डिफरेंट हो जाएगा मतलब एक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, दो तीन कॉम्प्लेक्स आपस में मिलकर क्या होगा, आयनों का वेरिएशन करेंगे। तो इस तरह की आइसोमेरिज हमारी कौन सी आती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में आती है। नेक्स्ट इज द हाइड्रेशन आइसोमेरिज, हाइड्रेशन मतलब कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वाटर कंपोनेंट के कारण जो आइसोमेरिज डेवलप होती है, ये आइसोमेरिज कौन सी आइसोमेरिज होगी, हाइड्रेशन आइसोमेरिज की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आपकी जो है सेकेंड स्ट्रक्चर थी, दूसरी कौन सी स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज कंपाउंड हैविंग ए सेम कैरेक्टरिस्टिक विद डिफरेंट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, अभी मैंने बताया स्पेक्ट्रल का मतलब हवा में रहने की फ्रीली, फ्रीली जो डील होते हैं वो कौन से अरेंजमेंट में होता है, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट में। इसके बेसिस पर हमने जो डिवाइड कर रखी है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉन मिरर इमेज और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है, डायस्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नॉन मिरर इमेज और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है, क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे लेकिन क्या होगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के टर्म्स में प्रेजेंट होंगे, यानी कि नॉन मिरर इमेज बनाएंगे, शीशे के सामने सेम इमेज नहीं दिखेगी। सेकेंड होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, मिरर इमेज आइसोमर्स, यानी कि इसको कह सकते हैं नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स और इसको कह सकते हैं मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब जैसे कि आपने ए लिखा है, ए के सामने ए बना दिया, तो ये क्या है, मिरर इमेज होगी, और आपके मिरर इमेज का मतलब ये शीशे के सामने वही स्ट्रक्चर दिखाएंगे, लेकिन ये पी की बात करोगे और ये पी, तो पी के सामने इसकी मिरर इमेज ऐसे नहीं बनेगी, इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यानी कि एक दूसरे को क्या होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें आपको ओवरलैपिंग और उसके स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट के बारे में जो एक्सप्लेन करेंगे, ये आइसोमेरिज किस कैटेगरी में आ जाती है हमारे केमिस्ट्री में, स्टीरियो आइसोमेरिज की कैटेगरी में आ जाती है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज टुडे, सो टुडे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज को एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज के अंदर क्या हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, आज लिंकेज स्ट्रक्चर में एक आइसोमेरिज आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, लिंकेज आइसोमेरिज वो भी किसके अंदर, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज का फर्स्ट पार्ट कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स की डेफिनेशन और लिंकेज आइसोमर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी कंपाउंड में लिंकेज आइसोमेरिज है या नहीं है, या लिंकेज आइसोमर्स कौन से हैं, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज, यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज, स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या हुआ, देखिए द स्ट्रक्चर आइसोमर्स इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम विच डिफर इन द स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम डिफरेंट बॉन्डिंग में होंगे, द डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स आइदर ड्यू टू द डिफरेंस इन द लिगेंड दैट आर बॉन्डेड टू द सेंटर मेटल और द मोड ऑफ बॉन्डिंग इंडिविजुअल लिगेंड विच एटम इज लिगेंड बॉन्डेड टू द सेंटर मेटल, क्या मतलब कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड विद द सेंटर मेटल, या कह सकते हो लिगेंड दैट आर बॉन्डेड टू द लिगेंड दैट आर बॉन्डेड टू द ligand that are bonded to the center atom or the mode of bonding individual ligand, unki mode of bonding kya hogi, different hogi kiske sath, center metal ke sath, to is tarah ki isomerism kaun se isomerism mein aa jati hai, aapki structural isomerism ki category mein aa jati hai, kaise dekhiye main isko explain karti hu, linkage isomerism ko keh sakte ho, dekhiye ek baar, the ligand that are more than two donor atom but should not be joined to the center atom by only one atom unit entered ligand cannot be shown this isomerism, the compound ka, लेकिन इसमें इस तरह के लिगेंड होने चाहिए जो कि जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होगी, एक से ज्यादा डोनर साइट होगी, जैसे कि आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हुए, जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है उस लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जिसमें दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जिसमें दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वो इस तरह के आइसोमेरिज को शो करेगा, अदरवाइज और कोई इस तरह के आइसोमेरिज को शो नहीं कर सकता। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सेम बट देयर प्रॉपर्टीज शुड बी एंटायरली डिफरेंट, द नेम ऑफ द लिगेंड आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू देयर डोनर एटम, विच डोनर एटम इज नाइट्रोजन, सपोज जैसे क्या कहने का मतलब है, इस तरह के आइसोमेरिज में
इंटायरली डिफरेंट सेम मॉलिक्यूल होगा तो सेम होगा, लेकिन की प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटायरली डिफरेंट होगी, पूरी क्या होगी कि डिफरेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डोनर एटम। किसके आधार पर? डोनर एटम के आधार पर सारी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाएगा। किसके बेसिस पर? डोनर एटम के आधार पर। जैसे कि अगर डोनर एटम नाइट्रोजन NO2 है, जैसे हमारा लिगेंड आपका सपोज क्या है NO2 है, NO2 में अगर N डोनर साइट होगी तो इसका नाम अलग होगा, और अगर O डोनर साइट होगी तो इसका नाम क्या अलग होगा, अलग होगा। इस तरह के आइसोमरेज में हमारी कौन सी आइसोमरेज कहलाती है लिंकेज। जैसे N डोनर साइट होगी तो कहने का मतलब NO2 के टर्म्स में है, ये एक यहाँ पे ले लेते हैं CuNO2 का होल ट्वाइस। CuNO2 का होल ट्वाइस से क्या मतलब है? CuNO2 का होल ट्वाइस है कि कॉपर के सराउंडिंग में NO2 जुड़ा है, तो NO2 जुड़ा है तो NO2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NO2 जुड़ा है NO2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो N डोनर साइट है। इसमें कौन सी डोनर साइट है? N डोनर साइट है, तो इसका नाम क्या होगा? N यानी कि नाइट्रिटो N, इसका नाम क्या लिखते थे हम? नाइट्रिटो N। लेकिन अगर CuONO लिखा होगा, ONO का मतलब है तो वही फॉर्मूला, लेकिन डोनर साइट क्या होगा? CuONO, तो डोनर साइट क्या है? इसमें ऑक्सीजन है ONO, यानी कि डोनर साइट क्या है? ऑक्सीजन है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से हो रहा है? ऑक्सीजन की तरफ से, तो इस ये साइड क्या हो गई? ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? ओ नाइट्रिटो ओ, इसकी डोनर साइड क्या हो गई? नाइट्रिटो ओ। कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम कहां से है? आपकी प्रॉब्लम है आपकी लिंकेज से, लिंक आपका डिफरेंट है। जब नाइट्रिटो का एन जुड़ा है तो हम उसको नाइट्रिटो एन कहते हैं, जब नाइट्रिटो का ओ जुड़ा है तो नाइट्रिटो ओ कहते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोलते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा पेंटामीन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3, पेंटामीन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3, पेंटामीन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला है हमारे पास, पेंटामीन का मतलब हो गया, ये सेंटर मेटल आपका कोबाल्ट है, आपका सेंटर मेटल का आपका कोबाल्ट है, पेंटामीन का मतलब हो गया NH3 का होल 5, नाइट्रिटो का मतलब हो गया N2, और ये मतलब प्लस 2 चार्ज। इसमें क्या है? CO के सराउंडिंग में 5 NO, NH3 कितने जुड़े हैं? 5 जुड़े हैं, तो दिख रहा होगा आपका 1 2, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, NH3 जुड़ा है और एक NO2 जुड़ा है, एक NO2 जुड़ा है, NO2 डोनर साइड क्या है? N, N से CO जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया पेंटामीन नाइट्रिटो कोबाल्ट, ठीक है। इसमें डोनर साइड क्या है? N, नाइट्रोजन इज द डोनर, नाइट्रोजन क्या है? डोनर साइड की तरह जुड़ा है, यानी कि क्योंकि जो लिगेंड है नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये हमारा क्या हो गया? नाइट्रिटो N हो गया, ठीक, यही फॉर्मूला है। लेकिन हमने इसको लिखा है CONH3 का होल 5, यहां तक तो सही है, लिख दिया ONO, ONO हॉट प्लस, ठीक है, CONH3 का होल 5, 1 2 3 4 5, NH3 का होल 5, नीचे जोड़ा हमने ONO, ONO, O N और O, तो हमारी डोनर साइट क्या है? O, तो पेंटामीन नाइट्रिटो O कोबाल्ट 3, इसमें डोनर साइट क्या है? ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। तो इस तरह की आइसोमेरेज हमारी कौन सी आइसोमेरेज कहलाती है? लिंकेज आइसोमेरेज, मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम है, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस डिफरेंस इसका है कि लिगेंड की साइट डिफरेंट हो जाती है, तो इसके बेसिस पे इसके नेम और उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाता है? वेरिएशन आता है। तो इस तरह की आइसोमेरेज हमारी स्ट्रक्चर आइसोमेरेज के अंदर कौन सी आइसोमेरेज थी? लिंकेज। स्ट्रक्चर आइसोमेरेज कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप डिफरेंट हो गया, किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ लिंकेज, लिंक के बेसिस पर, किसके लिंक के बेसिस पे? लिगेंड के लिंक के बेसिस पर। तो इस तरह की आइसोमेरेज हमारी कौन सी आइसोमेरेज होती है? लिंकेज आइसोमेरेज। तो दिख रहा है इसमें लिंक किससे हो रहा है? डिफरेंस, इसमें लिंक हो रहा है नाइट्रोजन से, इस वाले में लिंक किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो इस तरह की हमारी आइसोमेरेज पहली कौन सी आइसोमेरेज कहलाती है? लिंकेज आइसोमेरेज। तो ये हमारी कैटेगरी थी कौन सी आइसोमेरेज की? लिंकेज आइसोमेरेज। इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरेज जो होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी, तब तक आप इसको देखिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।